श्री कुंडलिनी यानी हर मानव में स्थित पवित्र शक्ति, आदिशक्ति श्री भैरवी द्वारा विरचित इस पवित्र शक्ति का गुणगान किया जाता है। यही है श्री कुंडलिनी स्तुति स्तोत्र। इस स्तोत्र का संस्कृत भाषा में पठन एवं अनुवाद करने के लिए पंडित अनंत नारायण काशिकर जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन का लाभ हुआ। हम उनके बहुत आभारी हैं। श्री कुंडलिनी स्तुति स्तोत्रम। जन्मोद्धार निरीक्षणी हतरुणी वेदादि बीजादि मा नित्यं चेतसि भाव्यते भुवि कदा सद्वाक्य संचारिणी मां पातु प्रियदासभावक पदम संघायते श्रीधरा धात्रित्वं स्वयमादिदेव वनिता दीनाति दीनं पशुं रक्ताभामृत चंद्रिका लिपिमयी सर्पाकृतिर्निद्रिता जागृत्कूर्मसमाश्रिता भगवती त्वं मां समालोकय। मांसोद्गन्धकुगन्धदोषजडितम् वेदादिकार्यान्वितम् स्वल्पस्वामलचन्द्रकोटिकिरणैर्नित्यं शरीरं कुरु सिद्धार्थी निजदोषविस्थलगतिर्व्याजीयते विद्यया यद्देवं भजति प्रभात समये मध्याह्नकाले थवा नित्यं यः कुलकुण्डली जपपदां भोजं स सिद्धो भवेत् वैवाकाश चतुर्दलेति विमले वाञ्छाफलोन्मूलके नित्यं सम्प्रति नित्यदेहघटिता सांकेतिता भाविता विद्याकुण्डलमानिनी स्वजनानी मायाक्रिया भाव्यते यैस्तैस्सिद्धकुलोद्भवै प्रणतिभिः संस्तोत्रकैशम्भुभिः वाताशङ्कविमोहिनी तिबलवच्छायापटोद्गामिनी संसारादिमहासुखप्रहरिणी तत्र स्थिता योगिनी
सर्वग्रंथि विभेदिनी स्वभुजगा सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा ब्रह्मज्ञान विनोदिनी कुलकुटीराघावतिनी भाव्यते। वंदे श्री कुलकुंडली त्रिवलिभिः सांगै स्वयंभुप्रियां प्रावेष्ट्यांबरचित्तमध्य चपलां बालाबला निष्कलां या देवी परिभाति वेदवदनां संभाविनी तापिनी इष्टानां शिरसि स्वयं भुवनिता संभावयामि क्रियां वाणी कोटि मृदंगनाद मदना निश्रेणी कोटि ध्वनिः प्राणेशी प्रियताम मूलक मनोल्लासैक पूर्णानना आषाढ़ोद्भव मेघराज जनितध्वान्तानना स्थायिनी माता सा परिपातु सूक्ष्म पथगा मां योगिनां शंकरी त्वामाश्रित्य नरा व्रजन्ति सहसा वैकुंठ कैलासयोः आनन्दैकविलासिनीं शशिशतानन्दाननां कारणम् मातश्री प्रियकुण्डली प्रियकले काली कलोद्दीपने तत्स्थानम् प्रणमामि भद्रवनिते मामुद्धर त्वं पथे। कुंडली शक्ति मार्गस्थं स्तोत्राष्टक महाफलं यपठेत् प्रातरुत्थाय सयोगी भवति ध्रुवम् क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेदिह। पवित्रौ कुंडली योगी ब्राह्मणीनो भवेन्महा इति ते कथितं नाथ कुंडली कोमलं स्तवं एतत् स्तोत्र प्रसादेन देवेषु गुरुगीष्पतिः सर्वे देवाः सिद्धियुता अस्यास्तोत्र प्रसादतः द्विपरार्धं चिरंजीवी ब्रह्मा सर्वसुरेश्वरः इति श्री आदिशक्ति भैरवी विरचितं श्री कुंडलिनी स्तुति स्तोत्रं
संपूर्णम्। मानव के जन्म से ही उसके उद्धार का निरीक्षण करने वाली वेद शास्त्र के बीज की तरह, आदिमा की तरह हमेशा अंतकरण में प्रकाशमान होने वाली, पृथ्वी पर सर्वदा सुख देने वाली, सर्वदा ज्ञान में संचार करने वाली, अपने प्रिय भक्तजनों को भावनिक स्तर पर संगठित करने वाली, कांति तेज शोभा धारण करने वाली स्वयं आदि देवता, हे सुंदरी, दीनों में अति दीन पशु जैसी हमारी अवस्था है, कृपा करके हमारा रक्षण कीजिए। रक्तवर्ण कांति धारण करने वाली अमृतमयी चांदनी की तरह तेजमान रहने वाली सर्पाकृति निद्रा अवस्था में होकर भी जागृत कछुए की तरह हमारी ओर, हे देवी, आप प्यार से देखिए। सर्व दोषों से युक्त इस नश्वर देह को कोटि कोटि निर्मल चंद्र किरणों से और वेद शास्त्र कार्यों से परिपूर्ण कीजिए। सिद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा करने वाला साधक कुंडलिनी के ज्ञान से स्वयं के दोष समझ सकता है और कुमार्ग से दूर रहकर दोष मुक्त जीवन आचरण करता है। ऐसा साधक सुबह, दोपहर या नित्य श्री कुंडलिनी स्तोत्र का स्तवन करता है, वह सिद्ध पुरुष की उपाधि प्राप्त करता है। वायु, आकाश, अग्नि एवं जल तत्वों में वास करने वाली यह श्री कुंडलिनी शक्ति अपवित्र इच्छाओं को नष्ट करती है, मानव में होने वाले माया मोहजाल को भी पूर्णतया नष्ट करती है। कुंडलिनी शक्ति हमारी माँ है। आत्म साक्षात्कारी कुल से जन्म लेने वाले साधक इस पवित्र स्तोत्र के पठन या श्रवण से उनके आत्मा को प्रकाशमान करते हैं। श्री कुंडलिनी माता चैतन्य रूपी लहरियों का आवरण निर्माण करके भक्तों का उत्थान सुखकारक करती है। संसार के दुखों का नाश करके ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि आदि ग्रंथियों का भेद करती है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाली यह कुंडलिनी माँ षट चक्रों पर आघात करके उनको प्रकाशमान करती है। 3.5 कुंडल में मूलाधार में स्थित यह श्री कुंडलिनी माँ स्वयंभू प्रिय है। यह अबोध स्त्री है। इस माँ में अनेक कलाएं हैं। माँ वेदमुखी है। साधना करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती है। यह एक तपस्विनी है। सहस्रार में शोभायमान दिखने वाले इस माँ का हम आदर करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि मृदंग नाद का दमन करने वाली, कोटि कोटि ध्वनियों को दूर करने वाली प्राणों की स्वामिनी, जिसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा की तरह है, वह अनेक आनंद रूपी वनों को उल्लसित करती है। आषाढ़ के मेघ गर्जनाओं से निर्मित
अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है और सदैव स्थिर रह के सूक्ष्म मार्ग सुषुम्ना द्वारा योगियों का उत्थान करके उनका कल्याण करती है। हे श्री कुंडलिनी माँ, हमारा रक्षण करिए। हे कुंडलिनी माँ, आपके आश्रय में आने वाले साधक वैकुंठ, जो श्री विष्णु जी का स्थान है, और कैलाश, जो भगवान श्री शंकर जी का स्थान है, वहां सहज जा सकते हैं। केवल आनंद से शोभायमान दिखने वाली शत चंद्रमा के तेज की तरह सुंदर हे काली माँ, आप ही संपूर्ण कलाओं को श्री महासरस्वती के रूप में उत्तेजित करती है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी श्री महालक्ष्मी, हमारा उद्धार कीजिए। कुंडलिनी के शक्ति मार्ग के 8 श्लोकों का यह स्तोत्र महाफल देने वाला है। जो प्रातः काल में इस स्तोत्र का पठन या श्रवण करता है, वह निश्चित ही योगी बनता है और क्षण में कवि श्रेष्ठ होता है। इस कुंडलिनी योग से योगी महान, पवित्र और ब्रह्मज्ञानी होता है। श्री आदिशक्ति कहती हैं, यह कोमल कुंडलिनी स्तोत्र की व्याख्या मैंने आपको समझाई है। इस स्तोत्र की कृपा से बृहस्पति सभी देवों के गुरु बन गए। सर्व देव देवताओं को सिद्धि प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, सभी देवों के ईश्वर ब्रह्मदेव भी 2 परार्ध नाम से चिरंजीव हो गए। इस प्रकार श्री आदिशक्ति भैरवी विरचित श्री कुंडलिनी स्तुति स्तोत्र संपूर्ण हुआ।